नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। प्रदेश की दो विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 21 अक्टूबर को होने हैं। ऐसे में इन उपचुनावों में प्रदेश कांग्रेस के मुखिया सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर है। सचिन पायलट के कार्यकाल में कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इन उपचुनावों में सूबे की गहलोत सरकार की उपलब्धियों को संगठन कितना आम जनता तक पहुंचा पाया है, इस बात को लेकर सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। गहलोत सरकार के कार्यकाल से जनता में संतुष्टि का भाव, उपचुनाव में होगी संगठन की परीक्षा, सत्ता की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का जिम्मा संगठन के पास, संगठन की जिम्मेदारी पीसीसी चीफ सचिन पायलट के जिम्मे, सरकार में भी है उप मुख्यमंत्री के पद पर। कांग्रेस में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बात हो सत्ता और संगठन की तो शुरुआत से ही दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाया है। इसके विपरीत किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, किसानों को दी जाने वाली बिजली के बिल में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला, निशुल्क दवा योजना के जैसे अभूतपूर्व फैसलों के चलते प्रदेश की जनता सरकार के काम से बेहद खुश है। खास बात यह है कि किसी भी राज्य में सरकार की उपलब्धियों का बखान निचले स्तर तक करने का जिम्मा संगठन के पास होता है। सरकार के कार्यकाल के आधार पर उपचुनाव में कांग्रेस को जो भी वोट मिलेंगे उसका पूरा पूरा दारोमदार संगठन के जिम्मे होगा। ऐसे में इन उपचुनाव में पीसीसी चीफ सचिन पायलट की प्रतिष्ठा पूरी तरह दांव पर होगी।